शिहाब चटूर के इराक के हवाले से, इराक के एंट्री के हवाले से, इराक के वीजे को लेकर, कुवैत के वीजे को लेकर बहुत बड़ी मालूमात मैं आपको देने जा रहा हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं। आप बगैर स्किप किए पूरा वीडियो देखने की कोशिश करें ताकि आपको शिहाब चटूर के पैदल सफर की सारी जानकारी मिल सके। दोस्तों लाइक करते हुए वीडियो देखे, आपके एक लाइक करने की वजह से बहुत सारे लोगों को ये वीडियो यूट्यूब पहुंचाता है। चलिए दोस्तों शिहाब चटूर के बारे में अभी मैं बताता हूं। शिहाब चटूर पैदल सफर जो है वो ईरान में कर रहे हैं और इराक को पहुंचने वाले हैं, बल्कि बिल्कुल ईरान का सफर उनका खत्म होते जा रहा है, इराक की तरफ वो अपने कदम बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन एक मुसीबत सामने आकर खड़ी है कि इराक का वीजा अभी तक उनको नहीं मिला है और कुवैत का वीजा देने से इनकार कर दिया है, ऐसी बातें सामने निकल के आ रही है। तुफेल नाम के एक यूट्यूबर जो पाकिस्तान के हैं, इस वक्त दुबई में रहते हैं, वो नई नई फितने सामने लेकर के आ रहे हैं कि शिहाब चटूर को इराक का और कुवैत का वीजा नहीं मिला है और नहीं मिलेगा, मिलना मुश्किल है। और मेरी राय है कि आप जो है हवाई जहाज के जरिए से सऊदी अरबिया पहुंच जाएं और सऊदी अरबिया में पैदल सफर अपना पूरा करें, और अकल बोल के दे रहे हैं तुफेल। हालांकि शिहाब चटूर पहले ही से पूरा तैयार करके वीजा कागजात जो भी उसके कंट्री से, जिस जिस कंट्री से ताल्लुक करना, ताल्लुकात बनाना था, जिस कंट्री से बात करना था, उन सब से बात करके वीजा के ताल्लुक से, वीजा के हवाले से सारी तैयारी करके निकले हैं। मेरा यह कहना है कि शिहाब चटूर के पास इराक का भी वीजा है और कुवैत का भी वीजा है और सऊदी अरबिया का भी वीजा है, मेरा यह मानना है, क्योंकि इतनी दूर का सफर बगैर तैयारी के कोई शख्स नहीं करता। अब तुफेल जो है वहां बैठ करके वो शुरू दिन से ही झूठ बोला करते थे कि शिहाब चटूर पाकिस्तान में चल रहे हैं, बहुत जल्द ईरान पहुंच जाएंगे, जबकि शिहाब चटूर उस वक्त पंजाब में थे, इंडिया में आफिया किड स्कूल में। तो एक झूठा यूट्यूबर है। अब इसकी बात पर जो है लोग यकीन भी कर रहे हैं बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं भी कर रहे हैं, और बहुत सारे ज्यादा से ज्यादा उनके चैनल पर जो है व्यूज भी देखने को मिल रहे हैं। तो दोस्तों बहुत बड़ी एक कंफ्यूजन आ रही है सामने कि ये अकल बोल के दे रहे हैं कि मेरी राय है कि आप हवाई जहाज के जरिए चले जाए। तो मुझे एक बात याद आती है कि एक आदमी ट्रेन में जाता है, सफर करता है, अकल बेचता है, तो लोगों से कहता है कि अकल बांट रहा हूं, 5 रुपये में खरीद लीजिए। तो केला ऊपर का जो उसका छिलका होता है उसको निकालता है और वो छिलका जो है 5 रुपये में बेच देता है, और जो केले का जो मग्ज होता है वो खा लेता है। जब वो छिलका खाता है आदमी, थोड़ी देर के बाद सोचता है, अरे मैं पागल हूं क्या, 5 रुपये दे करके मैं उसे छिलका खरीदा, मैं केला ही खरीद लेता 5 रुपये में पूरा, वो मग्ज खा गया और मुझे छिलका दे दिया। तो वो थोड़ी देर के बाद उससे बात करता है कि भाई आपने मुझे क्या धोखा दिया है, आप मग्ज खा गए और मुझे छिलका दे दिए 5 रुपये में। तो दूसरा आदमी बोला कि हाँ ये सच कह रहा है। तो बोला कि अभी मैं बोला नहीं, मैं बताया नहीं आपको कि ये छिलका खाने से क्या होता है, अकल आती है। देखो अब उसको अकल आई है, तब वो सोचता है हाँ अब अकल आई है मुझे, बोलता है कि और दो दे दो, यानी 5-5 रुपये के और दो छिलके दे दो, मेरे घर में मेरे और घर वाले हैं उनको खिलाना है। तो इस तरह इसे वो उनको अकल बांट रहा है। शिहाब चटूर अकलमंद है और बाशऊर है, इस मामले में पूरी वो जानकारी रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द उनका सफर जो है इराक और कुवैत का पैदल ही होगा इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह उनके सफर को आसान करेगा और अल्लाह की जात से उम्मीद है कि वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह मक्का मदीना पहुंच जाएंगे और 2023 के हज में वो पैदल ही चल करके पहुंचेंगे। हसीब बलोच साहब से शिहाब चटूर रब्ता तोड़ दिए हैं, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं, किस्म किस्म की बदगुमानियां तुफेल के अंदर पैदा हो रही हैं, और पाकिस्तान के दो यूट्यूबर गए शिहाब चटूर के पैदल सफर को, हज के सफर को खराब करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, एक तुफेल है और दूसरा रोशन खान है। तो मैं हाथ जोड़ के आपसे दरख्वास्त करता हूं कि बराए मेहरबानी इतनी मेहनत से आदमी जा रहा है, उनके सफर को खराब करने की कोशिश ना करें। दुआ फरमाएं कि दोस्तों अल्लाह पाक उनके सफर को आसान करे। अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। हमारा ये आज का वीडियो कैसा लगा और हमारी अपडेट कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बताना दोस्तों। इंशाअल्लाह अगली किसी वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखें, जब तक इंतजार कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।